साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक निश्चित धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 25,300 हो जाती है। निश्चित धनराशि, धनराशि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 25,300 हो जा रहा है। ये क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है, ठीक है। आगे देखिए, इसी धनराशि यानी धनराशि जो प्रिंसिपल निकलेगा दोगुनी दर से, मतलब जो दर है दोगुना हो जाएगा, दोगुनी दर से समान अवधि सेम समय 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, बनाते हैं, ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज का नियम देखिए, ध्यान से शॉर्टकट तरीका से बना रहे, दर को और समय को गुना करेंगे फिर तोड़ेंगे, ठीक है, सब उसी से निकलेगा, ध्यान देखिए। 75% है, 75 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देखिए, 75 दूनी कितना हो जाता है, 150 हो जाता है, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 15%, ठीक है, 15%, 15% को तोड़ते हैं तो 15/100 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 3 = 15, फिर 5 × 2 = 10, यानी 20 आ जाएगा। ये जो 20 है ये क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है। ये जो 3 है ये क्या है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है। अब इन दोनों का जो जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ये जो 20 था वो प्रिंसिपल था, ठीक है, मूलधन था। अब इन दोनों का जोड़ा को क्या कहते हैं, मिश्र धन, अमाउंट कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 सब एक्स में है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, रुपए में अमाउंट देखिए कितना था, मिश्र धन कितना था, 25,300 था, और अनुपात में कितना है, 23:1 है, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ध्यान देखिए। तेईस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25,300 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, काटते हैं, 23 एकम 23, फिर 23 एकम 23, यानी 1100 निकल के आया। एक्स का मान कितना निकला, 1100 निकल के आया, ठीक है। अब जो पूछता है आराम से पुट करके निकाल दीजिए। देखिए हमको क्या निकालना है, पहले मूलधन निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना था, 20x था, यहाँ पे देखिए कितना था, 20x था, कितना था, 20x था, यहाँ देखिए ये वाला 20x था, तो इसमें पुट कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 11 × 2 = 22, यानी 2, 2 और 3 को 0 हो जाएगा। ये क्या निकला, ये निकला मूलधन प्रिंसिपल, क्या निकला, मूलधन प्रिंसिपल निकला। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसी धनराशि, मतलब यही वाला धनराशि, ठीक है, इसी धनराशि पर दोगुनी दर, यानी दर को दोगुना करना है, ठीक है, समान अवधि सेम समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, ब्याज पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, CI का। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो देखिए 8 मासिक, 3 मासिक, ठीक है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी पूछे क्या कर देंगे, दर और समय में चेंजेस होता है। ध्यान देखिए, दर को दोगुना बोला है तो 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है, यानी 15%, पंद्रह प्रतिशत 8 मासिक बोला है ना, तो इसका कितना कर देंगे, 8/1 साल में कितना महीना होता है, 12 होता है, तो 8/12 कर देंगे, ठीक है, ये नया दर निकल के आएगा। तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, यानी 5 × 2 = 10, 10% निकला, कितना निकला, 10% निकला। 10% को यहाँ पे तोड़ देते हैं ना, डायरेक्ट तोड़ ही देते हैं, 10/100, ठीक है, यानी 0 × 0 = 1/10। ये क्या है भाई, हम क्या बोले थे, ये मूलधन है प्रिंसिपल, ये एक क्या है, ये ब्याज है, इंटरेस्ट है। अब इन दोनों का जोड़ा क्या होता है, 10 और 11, ये होता है मिश्र धन, यानी अमाउंट होता है। बनाते जा रहे हैं, घिच बिच लग रहा होगा, आप इसको कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देखिएगा, 8 मासिक बोला था तो समय में भी चेंजेस करना होगा, 2 वर्ष था ना, तू आ जा भाई इधर, तू इधर आ जा, टाइम कितना था, 2 वर्ष था, तो 2 गुना क्या कर देंगे, 12/8 कर देंगे। यहाँ पर क्या किए थे, दर में 8/12, यहाँ 12/8 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
चार दूनी आठ, चार तिया बारह, दो दो कटा, यानी समय कितना निकला? 3 वर्ष निकला। समय कितना निकला? 3 वर्ष निकला। अब ध्यान से देखिएगा, यानी दर कितना निकला, अमाउंट कितना निकला था? 11, और प्रिंसिपल कितना निकला था? 10 निकला था। यहाँ लिख देते हैं अमाउंट, यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 10 है, तो 10 गुना 10 गुना 10 तीन बार करेंगे, ठीक है। और अमाउंट कितना है? 11, 11 गुना 11 गुना 11 तीन बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय 3 बार था। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रिंसिपल कितना था? तू आजा भाई थोड़ा सा इधर। प्रिंसिपल कितना था? 22,000 था, ठीक है। प्रिंसिपल और इधर अनुपात में प्रिंसिपल कितना है? 10 गुना 10 गुना 10, यानी 1,000, 1,000 निकलेगा ना? हाँ, 1,000 निकलेगा। एक हजार एक्स का मान कितना दिया है? 22,000 दिया है, यानी ये 3 को 0, 3 को 0 गया, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान कितना आएगा? 22 आएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना आएगा? 22 आएगा। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा था, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा था। ध्यान से देखिएगा, 11 गुना 11 गुना कितना हो जाता है? 1331 होता है, और इधर कितना है? 1,000 है। तो 1331 में यहाँ लिख ही देते हैं ना, ये होता है। इन दोनों का अंतर देखिए कितना आएगा? 331 ही आएगा। अंतर कितना आएगा? 331 ही आएगा। हम यहाँ मिटा देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास भाई। समझा रहे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा, कॉपी में उड़ जाएगा आराम से, ठीक है। एक बार सीख जाइए, आराम से उड़ेगा। एक समान अभी कितना आया यहाँ पे? 22 आया, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है? ब्याज अंतर ही होता है ना, मूलधन का और मिश्र धन का अंतर ही होता है ना ब्याज। तो कितना आएगा? 3 3 1 x आएगा। तो इसे पुट कर दीजिए ना, तो 3 3 1 गुना 12 कीजिए, 22 कीजिएगा, तो कितना आंसर आएगा? आप इसको गुना कर लीजिएगा आराम से, बहुत इजी है। आपका करेक्ट आंसर आएगा 7282, ठीक है, 7282। प्रैक्टिस कीजिए।